क्या हो क्या गया तुझे? फोन क्यों उठा रही मैं पिछले 3 दिन से? मैं मैसेज पे मैसेज किया जा रहा हूँ, तू सीन करके छोड़ रही है। एटलीस्ट रिप्लाई करके ये तो बता दे कि सब ठीक है ना। ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी तो तूने एकदम से बात करना ही छोड़ दी? अगर मुझसे कोई गलती होगी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। देख, मेरा आखिरी वॉइस नोट है ये, क्योंकि मैं बिना बात के सॉरी बोल बोल के थक गया हूँ। हार्ट, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल टूट चुका हूँ। ये एकदम से छोड़कर क्यों चलेगी? इतना प्यार करता हूँ मैं इससे, मेरे पास इसके अलावा कोई है भी नहीं, और ना ही मैंने किसी और के बारे में कभी माइंड को सोचने दिया है। तू इसे जाने मत दे, मैसेजेस और फोन कॉल्स करता रहे बार बार, अपने इमोशंस दिखाता रहे, मान जाएगी। इसके बिना कैसे जिएगा तू? बाकी माइंड से पूछ ले क्या करना है। माइंड, अब तू ही कुछ कर सकता है। मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर तू मेरी सुनता ही कहाँ है? मैं तेरे को किसी भी सर्कमस्टांसेस या प्रॉब्लम का आउटकम या सोल्यूशन दे सकता हूँ, पर उसे मैं तेरे कहने पर ही एग्जीक्यूट करूंगा। जब इस लड़की ने तुझे कहा था कि ना उसकी हाँ है ना है, तो मैंने तेरे को कहा था कि थोड़ा टाइम दे, अगर उसकी फिर भी हाँ ना हुई तो अपने आप को सिचुएशन से दूर कर ले, वरना तो फंस जाएगा, क्योंकि तेरा हार्ट अटैच हो जाएगा और इसके साथ रहने की जो मेमोरीज बन जाएंगी मेरे पास, वो बाद में थॉट्स बनकर तुझे तंग करेंगी। तू मेरे वार्निंग देने के बाद भी इसके पीछे क्यों पड़ा रहा? हार्ट के कहने पर, क्योंकि फीलिंग्स थी मेरे पास, उसका हार्ट और मैं सेम फ्रिक्वेंसी से धड़कते थे। उसकी बातें हमेशा ये इंडिकेट करती थी कि वो भी तुझसे कितना प्यार करती है, बस हाँ कर ही देगी। याद है वो तेरे कितने केयर करती थी कि रात को मेडिसिन ले ली, प्लीज घर पहुंच कर फोन कर देना। जब भी उसे डर लगता था कैसे तेरा हाथ पकड़ लेती थी, और जब भी तेरे को मिलती थी तो कैसे हग कर लेती थी। तुझे डांटने के बाद हमेशा रो पड़ती थी, और माइंड को याद ही होगा कि जब उसने कहा था कि ना उसकी हाँ है ना ना है, तो उसने कहा था यू आर माय मोर देन अ फ्रेंड। उसने फ्रेंड जोन तो नहीं किया ना? बात तो इसकी भी ठीक है। उसने कहा था कि हर रिलेशन को टैग देना जरूरी नहीं होता, जब तू बार बार वेरीफाई कर रहा था। अब जब तू मिलते करने से नहीं हटा, तो उसने कह दिया यू आर माय स्पेशल फ्रेंड। अब तू इसे बार बार मैसेज मत कर और सॉरी मत बोल, तूने कोई गलती नहीं करी। क्यों गिल्ट फील कर रहा है, अपने आपको विक्टिम बना रहा है? तू वन साइडेड रिलेशनशिप में था और तेरी एक्सपेक्टेशन हर्ट होगी। तूने उसको रियलिटी बताई और अब वो निकलना चाहती है, सिंपल। एक तो उसने तेरे को धोखा दिया है, ऊपर से तू उसको सॉरी बोल रहा है। मान लिया तेरी इनोसेंस है ये, पर इनोसेंस एक ऐसी लैंग्वेज है ना, जिसको समझ आती है उसके लिए तुम प्यारे इंसान हो, और जिसको समझ नहीं आती उसके लिए तुम बेवकूफ। समझने वाले तुम्हें उठाकर गले लगाएंगे, और ना समझने वाले तुम्हारा फायदा उठाकर तुम्हें अपने गले से उतारेंगे। यार वो क्लोजर देके नहीं गई, एकदम से छुट के चली गई। बड़ा खालीपन सा फील हो रहा है। अब ये लोनलीनेस को कैसे दूर करूं? वो कह रही है ना उसको स्पेस चाहिए, तो उसको स्पेस दे। उसकी वेट करके मुझे लगता है वो पक्का वापस आएगी। वो कौन सा खुश होगी तुझसे दूर होके? इतने ब्यूटीफुल हार्ट का इंसान उसको कहाँ मिलेगा? अगर फिर भी वापस लड़ना है तो रिबाउंड के लिए किसी और लड़की को इमोशन एक्सप्रेस कर दियो। तू भी अपनी स्पेस फिल करना, फिर उस लड़की के साथ फोटो डाल के उसको ये एहसास कराइए कि तू मूव ऑन कर गया। उसको जेलस फील कराइए कि तुझे उससे बेटर लड़की मिल गई। अगर फिर भी लोनलीनेस दूर ना हुई तो एक आखिरी फॉर्मूला रह गया, दारू बुढ़ा गम बुढ़ा। ये एडवाइस बढ़िया है और इजी भी। माइंड, तू क्या कहता है? बिल्कुल वापस नहीं आएगी वो। लव इज लाइक अ गेम, और हर गेम में अगर ओपोनेंट प्लेयर तुमसे स्पेस मांग रहा है, इसका मतलब तुम्हें डिफीट करना चाहता है। क्रिकेट में बैट और बैट में स्पेस तो बोल्ड, फुटबॉल और हॉकी में गोल पोस्ट और गोलकीपर में स्पेस तो गोल,
स्पेस का मतलब ही होता है वो किसी और को ढूंढ रही है, अगर मिल गया तो तू आउट, अगर नहीं मिला तो टेम्परेरी इन। और जहां तक रही बात रिबाउंड की, तो फॉलिंग इन लव डीपली इज लाइक एक साथ समुद्र में छलांग लगाना और उसके डेप्थ को एक्सप्लोर करना। तुम दोनों ने एक साथ छलांग लगाई और उसने देखो डीप में जाके नीचे छोड़ दिया। अब ये एक ऐसी गेम है कि तू अकेले एक्सप्लोर नहीं कर सकता, तेरा फर्ज ये बनता है कि तू दोबारा ऊपर आए और एक नए प्लेयर के साथ स्टार्ट करे। लेकिन तू क्या करने की कोशिश कर रहा है कि तू वहीं कहीं अपने जैसे कहीं धोखा खाने वाले प्लेयर के साथ कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। उसमें क्या होगा कि तुम दोनों इतने इनसिक्योर होगे कि तुम डर के मारे एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे कि ये कहीं आदमी धोखा ना दे दे। अब जो एनर्जी तुझे ऊपर जाने में लगनी थी वो एनर्जी तूने वहीं वेस्ट कर दी। और ऐसा भी हो सकता है कि जो राइट पर्सन तेरी ऊपर वेट कर रहा है वो तेरे को कभी ढूंढ ही ना पाए क्योंकि तू रॉन्ग पर्सन में बिजी है। हार्ट, मुझे लग रहा है तेरी कमी सुननी चाहिए। तेरे सारे आइडियाज के सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, अब सिर्फ माइंड की सुनूंगा। मेरे पास एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट आइडिया भी है, पर माइंड ने उसको करने के लिए सिर्फ बहाने बनाएगा। अपने पैशन को फॉलो कर। जो टाइम तू इस लड़की पे लगा रहा था ना वो अपने काम पर लगा, नई हॉबी शुरू कर दे। अपने आप पर इतना काम कर ना कि तेरे को खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत ही ना पड़े। आगे बढ़ेगा ना तो सारे फेक दोस्त जिंदगी से चल जाएंगे, कुछ लड़कर कुछ चढ़कर। सच्चे दोस्त ना वही रह जाएंगे जो तेरे को कभी छोड़ के नहीं जा सकते। माइंड को बोल अपनी खिड़कियां खोले, बताइए सब एग्जीक्यूट कैसे करना है। क्या बात है, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि तूने आज तक कभी हार्ड का क्वेश्चन ही नहीं किया। जो वो कहता है तू ब्लाइंडली फॉलो करता है और मुझे तो हर बात पे क्वेश्चन करता है, हर चीज की एक्सप्लेनेशन मांगता है, हर चीज का लॉजिक पूछता है। और जो तेरे को ठीक लगे वो तो मुझे ऑर्डर भी मारता है करने के लिए, चाहे वो तेरे लिए सही हो या ना हो। लेकिन हार्ड को तूने कभी ऑर्डर नहीं किया, लेकिन जब आज किया तो उसने तेरे को वो करने को कहा जो मैं तेरे को पहले दिन से कह रहा हूं। मुझे डेवलप कर और लाइक खोल देता हूं तेरी खिड़कियां, जिसमें सिर्फ स्कूल और कॉलेज की किताबी नॉलेज और दूसरी तरफ किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसकी जानकारी, टोटल खाली और रद्दी। तेरे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, बिना इन दोनों के मैं क्या पैशन फॉलो करूंगा? पहले मैं तेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करता हूँ और फिर तेरी हॉबीज के थ्रू एक्सप्लोर करता हूँ तेरे में क्या टैलेंट है, और जिसमें तेरा मन लगे वो तेरे को हार्ट बताएगा कि वो तेरा पैशन है। सॉरी हार्ट, अब से तुझे मेरे सारे ऑर्डर मानने पड़ेंगे। तू मुझे ऑर्डर मारे ना ये मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं तेरी पैंपरिंग या बैटरिंग करता रहता हूँ। पेन को अवॉइड करने के लिए मैं तुझे वो काम करने को कहता हूँ जिसमें मुझे टेम्परेरी की खुशी मिले। पर अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरे प्लेजर्स के चक्कर में जो फेलियर मिलता ना उसका दर्द भी मुझे होता है। तू सुना हम दोनों की कर, लेकिन कर अपनी मर्जी से कर। अगर तू हम दोनों के कंट्रोल में रहेगा ना तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। चल बढ़िया हो गया, हार्ट टूटने से मैच्योरिटी आ गई। अब से हम तीनों कोऑर्डिनेट करेंगे और मेरे फ्यूचर के लिए जो सही होगा मुझे उस हिसाब से डिसीजन लेने हैं, और साइमल्टेनियसली तुम दोनों को कंट्रोल और मैनेज करना है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रख, अगर किसी चीज में सक्सेस मिल जाए तो उसको माइंड पे मत लेना, और अगर किसी चीज में फेलियर मिल जाए तो उसको कभी हार्ट पे मत लेना। सक्सेस को हमेशा हार्ट पे लेना क्योंकि उससे तुझे और आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा, और फेलियर को हमेशा माइंड पे लेना क्योंकि फिर मैं तेरे को सोच के बताऊंगा कि तूने कहां गलती करी है, उससे तेरे को मिलेगी एक्सीलेंस। अभी मैं तेरे को कुछ गोल्स दे रहा हूँ वो तेरे को कंप्लीट करने पड़ेंगे। फिलहाल हार्ट को टेम्परेरली ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि वहां से डिस्ट्रक्शन मिलती है, और तेरा पहला गोल ही है कि हार्ट का दरवाजा बंद कर दे।